हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली किंग के रूट के ऊपर है। रूट ऑफ किंग, कब कौन सा रूट पसंद करना चाहिए। दोस्तों, एंड गेम बहुत ही मज़ेदार होती है चेस में, और जिसकी एंड गेम बहुत ही पावरफुल होती है उसे जल्दी कोई हरा नहीं सकता। तो यहाँ पे देखते हैं, ये बोर्ड के ऊपर जो आप पोजिशन देख रहे हैं, पॉन ऑन B2, अगर आपका गलत रूट हो गया तो गेम का रिजल्ट कुछ और होगा। अगर आपको विन करना है तो वाइट टू प्ले है, वाइट यहाँ पे जीत सकता है, लेकिन रूट कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए आप वीडियो पॉज करके खुद ही ट्राई कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने किंग A2 वाला रूट पसंद किया तो ये गलती होगी, बहुत बड़ी मिस्टेक। किंग A2 में क्या होता है, देखिए, किंग ब्लैक G2 आएगा, फिर आप किंग B3, जैसे कि अपोजिशन का रूल है कि पॉन के आगे किंग होना चाहिए, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था एंड गेम में, तो वैसे किंग B3 खेलेगा। तो यहाँ पे ब्लैक खेलेगा किंग F3, उसके बाद किंग C4, ब्लैक खेलेगा किंग E4। अगर व्हाइट ने पॉन पहले चलाया B4 तो ब्लैक खेलेगा किंग E5, उसके बाद अगर किंग B5 तो यहां पे किंग D5, आफ्टर किंग B6 ब्लैक विल प्ले सिंपल किंग C4 B5 देन किंग B4, आफ्टर किंग टेक्स पॉन और गेम हो जाएगी ड्रॉ। अब हम देखेंगे सही रूट किंग के लिए, इस गेम में परफेक्ट रूट कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले किंग B1, ये रूट अगर आप ज्यादा सोचोगे तो ही ये मुंह मिलेगा कि किंग B1। जनरली हमारी सोच ऐसी होती है कि जल्दी से जल्दी किंग को सेंट्रलाइज करें, लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है। एंड गेम में ऐसे बहुत सारे मूव्स होते हैं जिसे हिडन मूव कहते हैं, तो ये है हिडन मूव किंग B1 आफ्टर किंग G2, और यहां आपको अपोजिशन मिलती है किंग C2 से। किंग F3 अगर ब्लैक आता है तो यहां पे किंग D3, ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला है, आफ्टर किंग F4 किंग D4 किंग F5 किंग D5 किंग F6 किंग D6 किंग F7 एंड देन पॉन टू B4। अब ये वाइट के लिए क्लियरली विनिंग गेम है। कैसे, किंग E8 अगर जाता है ब्लैक तो यहां से किंग C7 सिंपली अटैक दिस पॉन, आफ्टर पॉन B5 और किंग C6, तो ये क्लियरली विनिंग गेम। आपकी एक मिस्टेक से गेम ड्रॉ हो सकती है, और एक परफेक्ट कैलकुलेशन के बाद किंग का रूट पसंद करते हो तो गेम आप जीत सकते हो। अब आपको एक ऐसी फेमस एंड गेम बताऊंगा जहां 3 पॉन वर्सेस 3 पॉन होते हैं। इस पोजीशन में यहां पे वाइट इजीली विनिंग है, इजीली बिल्कुल, लेकिन टैक्टिकल मूव कौन सी है। सबसे पहले आपको सेंटर वाला पॉन चलाना है B6। अब ब्लैक डिसाइड करेगा कि A takes B6 या फिर C takes B6, तो फोर्स है। अगर ये पॉन को मारेगा नहीं ब्लैक, जैसे कि इग्नोर कर दिया A6, तो ये पॉन टेक्स पॉन और देन क्वीन, तो ये पॉन से अगर नहीं मारा, इससे आगे किया तो ये पॉन टेक्स पॉन देन नेक्स्ट मूव क्वीन, तो यहां पे मारना कंपलसरी हो जाता है। अब ब्लैक जिस पॉन से मारे तो याद रखो उसके अपोजिट साइड का पॉन आपको सेक्रीफाइस करना है यहां। इसके बाद A6, नाउ B takes A6 फोर से, वरना A takes B7 देन क्वीन,
तो B टेक A6 के बाद C6 और ये सिंपली विनिंग है, टू मूव में क्वीन बन रही है। तो यही सिचुएशन में अगर ब्लैक ने इस पॉन से मारा, सपोज आपने B6 चलाया, A पॉन से अगर ले लिया तो आपको C6 आगे बढ़ाना है। अब ये भी फोर्स हो गया B टेक C6 और यहां पे पासपोन क्रिएट होता है। सिंपल ये टेक्निक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इसलिए गेम हो जाती है ड्रॉ, कौन सा पॉन चलाना है, या तो लॉस भी हो जाते हैं। दोस्तों कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक्सचेंज अप होने के बाद हम जल्दी से एक्सचेंज वापस नहीं देते हैं। मतलब इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि ब्लैक मटेरियल डाउन है, एक पॉन डाउन है, लेकिन वो सामने एक्सचेंज अप है। लेकिन अगर क्विक डिसीजन ब्लैक ने नहीं लिया तो गेम शायद ड्रॉ भी हो सकती है। कंपेंसेशन है वाइट के पास पॉन का। तो कई बार क्वीन सेक्रीफाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, रुक सेक्रीफाइस। तो इन दिस पोजीशन क्वीन साइड पॉन मेजोरिटी, आप देख सकते हो कि क्वीन साइड 2 पॉन वर्सेस 2 पॉन है। एंड गेम में आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि किंग का रूट और जल्दी से जल्दी आपके पॉन प्रमोशन होता है कि नहीं। सारे पीसीस अगर बोर्ड से हटा दे तो किंग आप अपोनेंट के पॉन के तरफ जल्दी पहुंचते हो या नहीं, ये अगर आपने परफेक्ट कैलकुलेट कर लिया तो गेम आसानी से जीत जाओगे। ये पोजीशन में ब्लैक सेक्रीफाइस कर देगा Rook takes C3। अब कई बार मोह नहीं रखना है कि हमारे पास एक्सचेंज है तो हम क्यों एक्सचेंज दे दें। अगर क्विक विनिंग आती है तो एक्सचेंज देने में कोई दिक्कत नहीं है। Rook takes C3 के बाद वाइट कंपल्सरी पॉन टेक्स रुक, उसके बाद Rook takes E5। अब किंग के पास फोर्स मूव है या तो F2 या फिर D2। उसके बाद Rook takes E1, King takes E1। अब आप किंग की पोजीशन एंड गेम में देखिए, पॉन हो गए इक्वल और किंग की पोजीशन जो वाइट की किंग की पोजीशन है पूरी बैकवर्ड है और ब्लैक का किंग स्लाइटली सेंट्रलाइज है। इसके बाद ब्लैक का तुरंत मूव आता है तो King d5 और ब्लैक ये गेम किंग के रूट से आराम से जीत सकता है। तो King d5 के बाद King d2, वाइट उसे पॉन को सपोर्ट करने जाएगा और यहाँ पे रूक King c4 आपको खेलना है पॉन पे अटैक। अब किंग के पास फोर्स मूव है, या तो King c2 जाए या फिर कोई पॉन का मूव करे, तो वाइट ट्राई करेगा मूव बचाने के लिए। तो सपोज B h5 कर दिया उसने पॉन के मूव्स, हम वेटिंग देखते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल मूव बचाने हैं B6, उसके बाद King c2, उसके बाद G5 के बाद ब्लैक खेलेगा H6, क्योंकि एन पास प्रॉब्लम वाला है, कॉन्टेक्स पॉन हो जाता है। तो H6 के बाद यहां पे F4। अब मूव वाइट की खत्म होने आई है, वाइट शायद खेलेगा G4 और उसके बाद A5। यहां से आपके पास पासपोन क्रिएट हो रहा है, तो ये पॉन टेक्स पॉन फोर्स हो गया, ए टेक्स पॉन। अब किंग फोर्स मूव इधर जाएगा, उसके बाद A4, किंग को A3 लाना पड़ेगा, किंग टेक्स पॉन और यहाँ पे ब्लैक आप देख सकते हो एंड गेम में सिंपल विनिंग हो रहा है। तो ये रूट पसंद करने के लिए रूट सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो जल्दी से आपके हाथ में गेम आ जाती है, तो ये इजीली विनिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा रॉन्ग बिशप विथ रूक पॉन, मोस्टली ड्रॉ होता है रॉन्ग बिशप विथ रूक पॉन। रॉन्ग बिशप किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। अगर आपके पास रूक वाला पॉन है रूक फाइल में और आपका जो बिशप है क्वीनिंग स्क्वायर से अपोजिट कलर में है, यानी कि आपकी पॉन जो प्रमोशन होता है वो स्क्वायर है डार्क स्क्वायर, लेकिन आपके पास बिशप है लाइट स्क्वायर का, तो ये मोस्टली ड्रॉ होता है। भले ही आपके पास बिशप और पॉन दोनों पीस है, लेकिन रूक फाइल में पॉन है और पॉन वाला जो बिशप है वो अपोजिट कलर का है, इसे रॉन्ग बिशप कहते हैं। कैसे ड्रॉ होगा, जैसे कि किंग क्वीनिंग स्क्वायर में अगर किंग सामने वाले का चला गया तो फोर्स ड्रॉ है, आप यहाँ कोई भी ट्राई करो जीत नहीं सकते। जैसे कि King g8, King g3, King h8, King g4, आप प्रमोशन ही नहीं कर पाओगे। King g5, वो ब्लैक का किंग ये दो स्क्वायर में खेलता रहेगा, h4 और उसके बाद King g8, h5, King h8, then King g6, King
जी एट एच सिक्स किंग एच एट, आप बिशप खेलोगे तो किंग जी एट, अगर चेक दिया तो किंग कॉर्नर में और उसके बाद स्टेलमेट है, और यहाँ पे अगर आपने चेक नहीं दिया है, बिशप का मूव वेटिंग किया है, तब भी किंग एच एट, उसके बाद आप बिशप यहाँ नहीं खेल पाओगे क्योंकि तो स्टेलमेट होता है। तो बिशप अगर आपने यहाँ खेला तो भी किंग जी एट पॉन पुश, और यहाँ पे किंग एच सेवन किंग मूव कहीं भी किया, स्टेलमेट हो जाएगी। तो ये गेम में ड्रॉ ही है, कोई रेयर एक्सेप्शन होता है जहाँ पे सामने वाले के किंग की एंट्री क्वीनिंग स्क्वायर में नहीं होती, तभी ये गेम आप रुक वाले पॉन से जीत सकते हो। अब रॉन्ग बिशप का फायदा कैसे मिलता है दोस्तों, कई बार हम लोग बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं कि ओ हो ये गेम आप देखो मुझे बताओ कौन जीतने वाला है, पहली नजर में आपको कौन जीतने वाला लगता है? सिंपल, व्हाइट इज विनिंग, क्योंकि व्हाइट के पास दो दो कनेक्टेड पॉन है और मटेरियल इक्वल है और दो पॉन एक्स्ट्रा है वो भी कनेक्टेड। अब ऐसी गेम तो ड्रॉ हो ही नहीं सकती, लेकिन मिरेकल चेस में बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे अगर ब्लैक ज़्यादा एक्सपर्ट प्लेयर है, आप वीडियो पॉज करके खुद मूव सोचिए कि यहाँ पे रॉन्ग बिशप वाला जो हमारा रूल है वो यहाँ पे लगा के हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ये सारे मूव फोर्स है। जैसे कि सबसे पहला मूव मैं बताता हूँ, रुक चेक, आफ्टर रुक f1, रुक टेक्स f1, किंग टेक्स f1, और फाइनली बिशप सेक्रीफाइस ऑन h3। अब ये गेम सिंपली ड्रॉ है। कैसे ड्रॉ है कि पॉन टेक्स बिशप में दोनों पॉन रुक फाइल में हो जाएंगे और वाइट के पास जो बिशप है वो बिशप है रॉन्ग बिशप, और अगर उसने नहीं लिया आपका बिशप तो किंग मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉन पीन है तो आगे भी बढ़ नहीं सकता। जैसे ही किंग मूव किया, बिशप टेक्स g2, और ये गेम फाइनली ड्रॉ। तो कैसा लगा रॉन्ग बिशप का जो एग्जाम्पल है दोस्तों, वीडियो में लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे कि एंड गेम आपको कैसी लगी है, ताकि मैं और भी वीडियो के एंड गेम के बारे में वीडियो बना सकूं। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद जय गुजरात।